तो इस ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, एथलीट कंप्लीट्स हाफ द राउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताओ। देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सीधी कितनी है, 2r है, तो डिस्प्लेसमेंट 2r है, और डिस्टेंस कितने है, लेंथ है कितनी, पाई आर है। तो ए आंसर आ गया, डन, ये सबका हो गया। नेक्स्ट है, अगर पोजिशन एक्स ऑफ द पार्टिकल इसके इक्वल है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, तो टाइम बताओ एक्सेलरेशन जीरो, कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहली चीज, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, एक्स हमें पता है, तो आप एक काम करेंगे इसमें पुट करें एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, और इसके अंदर ए एंड बी बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है यहां तक। अब उसे जान के ए लिखा है, पता है क्यों, आप कंफ्यूज हो जाएं कि एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज डी एक्स बाय डी टी, तो यानी कि डी बाय डी टी ऑफ एक्स की जगह क्या, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, तो वेलोसिटी की जगह क्या आएगा ए, और यहां पर क्या आएगी डिफरेंशिएशन 2t, b कांस्टेंट है तो क्या आएगी 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होगी, dv बाय dt, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह क्या 2at माइनस 3bt का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है डी टी बाई डी टी, और माइनस 3b इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ओ आई एम सॉरी मैंने गलती की, पता है क्या, नहीं मैंने बिल्कुल ठीक किया, बाकी सब सही कर रहा हूं, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन का सिंबल मुझे a नहीं पुट करना चाहिए, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, नहीं तो ये a है कि ये a है। तो एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले ए नहीं यूज करूंगा मैं, क्योंकि ए यूज करूंगा मैं खुद ए के साथ कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूं, हाँ कैपिटल ले लो चाहे, तो सिंबल ही चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हियर ए इज अ कांस्टेंट, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a सम कांस्टेंट इनटू 1 3b इनटू कितना 2t, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस 6bt। अब वो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन को क्या करना है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt, या फिर यहां से क्या आएगा, ठीक, तो यहां पर 2a एक तरफ और 6bt एक तरफ, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी 2a डिवाइडेड बाय 6b, तो 2 और 6b कैंसिल, तो a अपॉन 3b इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकाला और उसको अल्टीमेटली जीरो पुट करके टाइम निकाल लिया, कोई डाउट, मेथड क्लियर है, कितनों का हो गया, ये हो गया था, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हमने किया हुआ है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है v1 v2 एवरेज वेलोसिटी वाला, अभी पिछले असाइनमेंट्स में आया, ये भी हमने किया हुआ है, इसका आंसर मुझे याद है, अभी सब्जेक्टिव के अंदर हमने किया। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन परपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है, रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना नहीं, वेलोसिटी का बढ़ना नहीं, वेलोसिटी का कम होना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, तो रिटार्डेशन है, एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि जो रिटार्डेशन है माइनस ए वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये गिवन है आपको, आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या। अब मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ, तो अगर मैं वेलोसिटी निकाल दूं यहां से एक्सेलरेशन से, तो आप यहां पुट करके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन क्लियर है, पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है। अब ए से मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, ए से वी तभी बात बनेगी, तो एक काम करते हैं,
ए से पहले वी निकालते हैं। मैंने आपको ए से वी निकालना सिखाया है, कैसे? इंटीग्रेशन। ए से वी कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ये लो करो। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? डीएक्स और डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। कोई डाउट इसमें? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। एक प्रॉब्लम है इसमें, बोलो क्या प्रॉब्लम है, करके देख लो। इंटीग्रेशन आता है तो आंसर बताओ क्या आ रहा है। करना इंटीग्रेशन सही। जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए उसमें एक्सेलरेशन एक्स की फॉर्म में थी नहीं, उसमें एक्सेलरेशन टी की फॉर्म में थी, ताकि डी टी और टी मिलके टी की इंटीग्रेशन आ जाती थी, ऐसे ही था ना। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें यहां पर टी नहीं है, यहां पर एक्स है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं डी टी को यहां लेके जाऊंगा तो एक्स इज अ वेरिएबल, टी इज अ वेरिएबल, तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि नहीं कर सकते। हाँ, वो ट्रांसफॉर्म बाद में देखते हैं कैसे करना है। तो एक्स के साथ डी टी का कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता, या तो टी डी टी हो या एक्स डी एक्स हो, टी डी एक्स नहीं चल सकता, या डी टी और एक्स नहीं चल सकता। क्लियर है? अब यहां पर एक नई टेक्निक सिखाता हूं जो कभी कभी यूज हो जाती है। क्या टेक्निक है? आप डी टी को अगर डी एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि ये dx हो जाए, वो क्यों? ताकि dx और x मल्टीप्लाई हो गए, x dx हो जाए, हो सकता है। उसका एक तरीका है, तरीका ये है कि आप को अगर इस dt को dx बनाना है ना कभी भी, तो आप इसको रिजल्ट को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लें, तो आंसर तो वानी है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, dx by dx तो वानी है, कोई फर्क नहीं। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहां पर पेयर बनाऊंगा, कैसे? इस dx के नीचे ले आऊंगा ये dt और इस dv के नीचे ले आऊंगा ये dx। ठीक, एक बात बताओ, dx by dt क्या होता है? v, dx by dt v, और क्या बचा? into dv divided by dx, dv और dx को कर लिया, dx और dt को कर लिया, is equal to minus constant into x। ध्यान से देखा आपने कैसे मैंने dt को किस में कन्वर्ट कर लिया? dx में। ऐसा उल्टा भी ट्रू है, बाय चांस यहां पर dv by dx होता और आपको dt में कन्वर्ट करना है तो dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, अपने आप कन्वर्जन हो जाती है। ठीक, लेकिन ये पॉइंट ये है, काफी लोग सोचते हैं कि ये मेरे को सपना थोड़ा आएगा यार, ऐसे कर लो, ऐसे कन्वर्ट कर लो। देखो, नहीं आएगा सपना, मेरे को भी नहीं पहली बार आया था, पर जब 5-7 बार ऐसा होगा तो आपको अपने आप ही 6वीं 7वीं बार अपने आप दिखेगा कि हमने पहले ऐसा किया था। तो ऐसा अपने आप पहली बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, 5-6 बार हो जाएगा, तो पहली बार तो सिखाना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इन टू एक्स डी एक्स, और अगर मैं अब इसे इंटीग्रेट करूं तो वी की इंटीग्रेशन क्या है? वी स्क्वायर बाय 2, और माइनस कॉन्स्टेंट इन टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यानी कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी में आंसर देना है, इक्वल टू में देना नहीं है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर फर्दर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो आंसर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, नॉट फॉर स्कूल लेवल, स्कूल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका है, एक और तरीका है। क्या तरीका है? कोई स्टूडेंट कहता है यार ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है,
अगर ये बॉडी रिटार्ड कर रही है तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी यूज इक्वल टू जीरो, तो आप सिंपली ऐसे क्यों नहीं करते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एक्स, ये लगा लो सीधा, तो यू की वैल्यू क्या है जीरो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एक्स। तो जब मैंने पूछा ए क्या पुट करेंगे तो उसने कहा क्योंकि ए तो रिटार्डेशन है और हमने क्या निकाला था अभी, ए इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू कितना एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू कॉन्स्टेंट इंटू क्या एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, तो देखो ना बात तो वही आ गई, ये ज्यादा बेटर नहीं है? हाँ ये ज्यादा बेटर है, ये लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, अभी तक जितनी भी आपने पढ़ाई की ना 9th में या 10th में या इससे पहले भी, सबका सोचने का तरीका ना एक ही है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लो, 1/f, 1/u, 1/v, u पुट करो, v पुट करो, f आ गया, है ना, ऐसे ही किया, या कोई भी चैप्टर कर लो उसकी टेक्निक एक ही है। अभी लेवल चेंज हो गया, अभी कोई स्टूडेंट इसको कैलकुलस से इमेजिन कर रहा है और कोई इसको ऐसे इमेजिन कर रहा है। अब जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो दोनों चीजें इकट्ठी देख पा रहा है, मैं कुछ भी लगा पाऊंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जो पढ़ाई चलेगी उसका एक सॉल्यूशन फिक्स्ड होना ही नहीं है, आपका सॉल्यूशन अलग हो सकता है, मेरा सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरा लंबा तरीका आपको हो गया 2 मिनट का काम ऐसे कर दूंगा मैं, और हो सकता है आप बहुत लंबा करें और मैं सिर्फ 1 मिनट में कर दूं। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर है कि किसको कितना कितनी प्रैक्टिस कर रखी है और वो कैसे सोचता है। बात समझ में आ रही है? तो अब पढ़ाई वैसी नहीं चलेगी कि आप सोचोगे एक ही फॉर्मेट है, एक सांचा है कि फॉर्मूला पुट करो ये आंसर, ऐसा नहीं चलेगा। अभी आप कुछ भी लगाएंगे, अपने तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यही सिखाना है, और जिसको ये करना आ गया चीजें क्लियर दिखनी स्टार्ट होगी, बस वो फिजिक्स में चल पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं, यहां तक क्लियर है? तो एक आंसर आ गया, ये तो आसान क्वेश्चन है, असाइनमेंट के आपको ट्राई कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आज का 10th, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस एस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ये आपने लिखा एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस एस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, यही है ना, यही है। एक चीज याद रखना, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, एस इज अ कांस्टेंट, मुझे ए से क्या निकालना है, एक्स, तो सबसे पहले ए से क्या निकलेगी, वी, वी कैसे, बाय इंटीग्रेशन। वी से क्या निकलेगा, एक्स बाय इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन हैं, तो देखो इंटीग्रेशन कैसे होगी, ए को लिखेंगे डीवी बाय ओमेगा स्क्वायर है, ओके, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर डीवी इज इक्वल टू माइनस एस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, ऐसे करेंगे ना, और अब दोनों साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। एस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो बाहर रह गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 dv की इंटीग्रेशन क्या है, वी वी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। क्या स्टेप क्लियर है, हमने यही किया था इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, जो एंगल है वो यहां आता है, एंगल यहां पर भी तो आता है, ठीक, डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट, डी टी बाय डी टी इज 1, तो डिनोमिनेटर में ओमेगा आ गया, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें ओमेगा आ गया तो ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसल, माइनस और माइनस भी कैंसल, सॉल्व करके v की वैल्यू क्या आ गई, s इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या स्टेप क्लियर है, v आ गया, v से क्या निकालना है, x, तो बोलो v को क्या लिखें, dx बाय डी टी इज इक्वल टू s इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई
dx is equal to s into omega into cos of omega t into dt. फिर से एक बार क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1dx की इंटीग्रेशन x, s into omega cos की इंटीग्रेशन क्या होती है बोलो, sin of omega t divided by d by dt of omega t. ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dt by dt 1, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ऑप्शन मार्क कर लो, आंसर आ गया.